सत श्री अकाल जी, इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे हो। तुसीं मैं दा आगाज करदे आं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मलेरकोटला दा पंजाब दे 23वें जिले वालों रस्मी उद्घाटन कर दिता है। वर्चुअल तरीके नाल सीएम कैप्टन ने उद्घाटन किया। नाल ही मुख्यमंत्री कैप्टन ने नवे जिले बने मलेरकोटला नूं स्कूल कॉलेज हस्पताल की सौगात भी दी है। तुहानू दस दईए कि ईद के दिन सीएम कैप्टन ने मलेरकोटला नूं जिला ऐलानिया सी, जिसका रस्मी ऐलान हुण मुख्यमंत्री ने कर दिता है। मलेरकोटला रस्मी तौर पर 23वां जिला पंजाब का बन चुका है। सीएम कैप्टन ने अज रस्मी उद्घाटन किया है। कॉलेज स्कूल वर्चुअल तरीके नाल सीएम वालों उद्घाटन किया गया है। मलेरकोटला जिले का अज 23वां जिला रस्मी तौर पर पंजाब का मलेरकोटला बन चुका है। अपने आप में एक इतिहास रखता है मलेरकोटला। सीएम कैप्टन ने अज रस्मी उद्घाटन किया है। वर्चुअल तरीके नाल अजे उद्घाटन किया गया है। पंजाब का 23वां जिला मलेरकोटला रस्मी तौर पर बन चुका है। ईद वाले दिन ऐलान किया गया सी। सीएम कैप्टन ने वर्चुअल तरीके नाल अज मलेरकोटला नूं 23वां जिला ऐलान दिता है। भाजपा के सबका मंत्री किसानों के हक में नितरे ने। सबका मंत्री अनिल जोशी हुण किसानों के हक में दिखाई दे रहे हैं। गलबात करदे अनिल जोशी ने कहा कि वह खुद खेती पेशे नाल जुड़े हुए ने ते उन्हां नूं खेतीबाड़ी बारे जानकारी है। उन्हां कहा कि यह कानून किसानों लई बहुत खतरनाक साबित होए ने। तो साबका मंत्री अनिल जोशी अपनी ही बीजेपी सरकार नूं अपील की कि किसानों की गल सुन के जल्द से जल्द मसला हल करन। उन्होंने कहा कि जेकर किसानी दे मसले का कोई हल ना होया तो वह भाजपा का पक्ष छड्डण लई मजबूर हो सकते ने। नाल ही अनिल जोशी ने भाजपा के मंत्रियों नूं तिखे शब्दों विच कहा है कि जेकर किसानों के मुद्दे नूं हल नहीं कर सकते तो राजनीति छड्ड दिओ। अथॉरिटी नहीं, मैं सीधी जाके गल करा जो पंजाब की साडी लीडरशिप है। पंजाब प्रधान नूं फोन ते बाकी सारे कॉन्टैक्ट करके भी इस मसले नूं जल्दी तो जल्दी निबेड़िया जाए, क्योंकि पंजाब ने बड़ी त्रासदी झेली पहला ही। तो किसान का दर्द जिहड़ा वा ना, वो किसान मैं किसानी की है, मैं बहुत पिंड का रहने वाला वा। साडा अपना जिहड़ा वा वाही खेती सी जो असीं पिंड रहिंदे, फिर उस तों बाद बिजनेस कीता, उस तों बाद राजनीति चाहे अलग गल आ, पर बड़ा औखा काम है। ये किसानी जिहड़ी सौखी नहीं गी, वो जिहड़ी अपनी लड़ाई लड़दे पए आ। मैं नहीं आंदा कानून गलत होणगे, पर जे कोई ये आखी जाए मैं कल भी। पंजाब विच वैक्सीन का मसला सियासत का केंद्र बन गया है। निजी हस्पतालों नूं कैप्टन सरकार वालों महंगे रेट उपर वैक्सीन देने दे मुद्दे ते हुण अकाली दल हमलावर है। श्रोमणी अकाली दल वालों अज सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू के घर का घिराव करन दे दिते सद्दे उपर वड्डी गिणती विच अकाली दल यूथ दे वलंटियर मोहाली इकट्ठे होए। गुरुद्वारा अंब साहिब तो उन्होंने सेहत मंत्री के घर वाल चाले पाए। इस दौरान अकाली दल यूथ वलंटियर वालों जोरदार हंगामा किया गया। तो श्रोमणी अकाली दल मुखी सुखबीर बादल ने कैप्टन सरकार नूं आउंदे दिनों विच इस मुद्दे ते घेरन का ऐलान भी किया है। अकाली दे सत फेस मार्केट दे विच जिथे पंजाब दे सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू दी निजी रहायश मौजूद आ, उसके बाहर ठीक तुसी देख रहे हो श्रोमणी अकाली दल वालों जबरदस्त रोस धरना लगाया गया। समुचे जिन्हें भी पंजाब के सीनियर लीडर ने इस धरने के मौजूद हैगे ने, डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा, प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा, सुरजीत सिंह रखड़ा, जिन्हें भी सबका मंत्री ने, हीरा सिंह काबड़िया होवे, जिन्हें भी विधायक होण, पवन कुमार मीनू तो अलावा हरिंदरपाल सिंह चंदूमाजरा, तो होर जिनी भी समुची लीडरशिप है पहुँच चुकी है। जबरदस्त नारेबाजी की जा रही है। तो इस तो बाद पार्टी के प्रधान साबका उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल
भी इस धरने के शामिल हो जा रहे हैं। दस दईए कि पार्टी वालों मंग की जा रही है कि CBI जांच होवे, जिहड़ी करोना की वैक्सीन प्राइवेट हस्पतालों के हाथ में वेचण के ऑर्डर होए सीगे, जिस तो सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू वालों किनारा कर लिया गया सीगा, कह दिता गया सीगा कि उन्हां वालों निजी हस्पतालों नूं वैक्सीन वेचण दे कोई ऑर्डर नहीं किए गए, परंतु वैक्सीन वापस मंगाउण दे ऑर्डर जरूर किए गए ने। बीते दिन दस दईए कि आम आदमी पार्टी वालों भी मंग की गई सी, धरना लगाया गया सी, बलबीर सिंह सिद्धू की कोठी का घराओ भी किया गया सीगा। ते अज श्रोमणी अकाली दल वालों इसे थां ते जबरदस्त जिहड़ा रोस धरना लगाया जा रहा, समुचे पार्टी के जिन्हें भी सीनियर आगू ने इस थां ते पहुंचे हुए ने, बलबीर सिंह सिद्धू तो मंग कर रहे ने अस्तीफे की, संकेतक धरना दस रहे ने, संकेतक धरना ता जो दो चार दिन दे विच बलबीर सिंह सिद्धू जिहड़े कि पंजाब के सेहत मंत्री ने, वो खुद अपनी कुर्सी तो अस्तीफा दे देण, नहीं तो श्रोमणी अकाली दल वालों वड्डे पद्धर से संघर्ष उलीकिया जाएगा। इस तों इलावा यह भी दस दईए कि डेराबसी हल्के के विधायक NK शर्मा ने भी गंभीर दोष लगाए ने सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू उत्ते, घपलिया के गंभीर दोष लगे ने। हुण देखना यह होगा कि इन्ह की जिहड़ी मंग हैगी है CBI जांच की, उस वो मंग जिहड़ी हैगी है प्रवान हुंदी है या नहीं। कुछ ही समय के पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल इसे थां ते पहुंचण वाले ने, सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू की कोठी का घराओ करने इसे थां तो 7 सेक्टर 7 फेज की मार्केट के कूच किया जाएगा। कैमरामैन SP सिद्धू के नाल अरुण आहूजा, इंडिया न्यूज़। श्रोमणी अकाली दल के सीनियर आगू सबका सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने 1984 में श्री हरिमंदर साहिब उपर फौजी हमले के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। चंदूमाजरा ने मांग की है कि इस पिछली साजिश के असल गुनाहगारों सज़ा मिलनी चाहिए है, तो उन्होंने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर जजा की इस मामले में कमेटी बनाई जाए। मैं अज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हुणे हुण चिट्ठी लिख के हटिया और चिट्ठी भेजी है, जिसे मंग की है कि भारतीय लोग सभा विच मैं मसला उठाया सी, जो 30 साल बाद बरतानिया की संसद दे विच ओ गुप्त दस्तावेज जो 1984 के भारतीय फौज के श्री अकाल तख्त साहब के हमले संबंधी नशर होए सी बरतानिया पार्लीमेंट दे विच, और उन्होंने जोड़े सबूत सी गुप्त दस्तावेज सी उन्होंने साढ़े रोंगटे होर खड़े करते कि साढ़े देश की प्रभु सत्ता ते साड़ी देश की आज़ादी ते साढ़े देश की आज़ादी विच खून डोलन वाले महान शहीदां की शहादत ते साढ़े देश के हुक्मराना ने धोखा किया, धरोह किया। और मोदी साहब तो मैं भारतीय पार्लीमेंट विच भी मांग कीती सी। रुक कर लैने अगली खबर दा। आम आदमी पार्टी दे वर्करा ने अमृतसर विच विधायक राजकुमार वेरका दे घर बाहर धरना प्रदर्शन किया, जिथे पार्टी दे वर्करा डिग्रियां नूं साड़ के प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वल्लों अपने विधायकों दे पुत्रां नूं सरकारी नौकरी दे रहे ने, ते पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार रहण लई मजबूर ने। राहुल गांधी ने देश विच वध रहियां पेट्रोल डीजल दियां कीमतां उपर सरकार ते तंज कसिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कीता है कि सूबियां विच अनलॉक दी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, पेट्रोल पंप उपर बिल देंदे वेले तुहानू मोदी सरकार वल्लों दित्ता गया महंगाई दा विकास दिखेगा, टैक्स वसूली महामारी दियां लहरां लगातार आ रहियां ने। चंडीगढ़ विच तेल दियां कीमतां वधण कारण लोकां विच नाराजगी है। लोकां दा कहना है कि कोरोना काल दौरान तेल दियां कीमतां विच वाधे कारण महंगाई दी मार जारी है। वेखो साडे पत्रकार विपिन परमार दी खास रिपोर्ट।
पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार इजाफे ने आम आदमी की पीठ तोड़कर रख दी है। चंडीगढ़ में आज के दाम की बात करें तो पेट्रोल जो है वो 91.73 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा है, जबकि डीजल जो है वो 85.94 रुपये के हिसाब से जो है प्रति लीटर चंडीगढ़ में मिल रहा है। आप देख सकते हैं ये पेट्रोल पम्प सेक्टर 4 का है और यहाँ पर अमूमन गाड़ियों की भरमा रहती है, लेकिन दाम लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में सन्नाटा पसरा हुआ है और यही कारण है कि लगातार दामों के इजाफे ने आम आदमी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वो ऑफिस के लिए जाए तो क्या गाड़ी लेकर जाए या फिर कोई और अल्टरनेटिव देखे। इसी के साथ साथ ना केवल पेट्रोल और डीजल के दाम बल्कि आम आदमी की जेब पर असर डालती हुई सब्जियों के असर दामों में भी असर जो है वो पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफे के बाद देखने को मिला है। लगातार इजाफा जो है वो अलग अलग चीज़ों में देखने को मिला है और ये बढ़ोतरी जो है वो लगातार जो है पिछले एक हफ्ते से देखने को मिल रही है कि दाम जो है वो 91.73 रुपये पेट्रोल के जो है वो पहुँच चुके हैं और इसी तरह से डीजल जो है वो 85.94 रुपये जो है वो पहुँच चुका है और लगातार दामों में इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है और आम आदमी यही सोचता नजर आ रहा है कि आखिर गुजारा करे तो करे कैसे। कैमरा पर्सन शशांक के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज़। मानसा विच यूथ कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल दियां वध रहीयां कीमतां ते दिनों दिन वध रही महंगाई दे विरोध रोस मार्च कढ के केंद्र सरकार दा पुतला फूकिया। वध रही महंगाई ते केंद्र सरकार खिलाफ प्रदर्शन किया गया। तीन खेती कानूनों खिलाफ किसान जथेबंदियों वालों संघर्ष निरंतर जारी है ते दिल्ली धरने ते किसानां ते नौजवान लगातार पहुंच रहे ने ते मानसा रेलवे स्टेशन तो अज सैकड़े किसान ते नौजवान वख-वख किसानी जथेबंदियों नाल मिल के दिल्ली धरने लई रवाना होए। दिल्ली जाण वर ते इही है जी, जिन्ना चिर कानून रद्द नहीं हुंदे ये काफले हमेशा इसे तरह ही जाते रहेंगे। तो मोदी सरकार का वहम है जोड़ा भी लोग इतों तुर जाएंगे उन्ना चिक तो नहीं तुरते जिन्ना चिक साढ़े कानून रद्द नहीं होंगे, क्योंकि असं घर बह के ही मरना है तो उत्थे बह के ही मरना है। बाजार के लगभग इतों मानसा स्टेशन तो अं जा रहे हैं, सारे संयुक्त किसान मोर्चे वालों ये छड़े जथेबंदी वालों जा रहे हैं, पर जो मोदी सरकार का भुलेखा से भी हुण काम की रुत फिर आ गई, चौल लाउण लग जाएंगे, कोई नरमे की गड़ाई हो जाए पानी लाने, पर किसानों ने वड्डी गिनती विच दिल्ली वाला जुर्माना हो रहे हैं जो मोदी सरकार। पंजाब सरकार ने झोने की बिजाई की तारीख 10 जून निर्धारित की है, पर मानसा जिले के पिंड झोने की बिजाई किसानों वालों आरंभ दी गई है। किसानों ने पहले ही दिन सैकड़े एकड़ रकबे में झोना लाया है, जिस बारे किसान कहते हैं कि लेबर की घाट से झोने की फसल वेचण विच आ रही मुश्किलों तो बचने लई असी झोने की बिजाई शुरू कर दी है। ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਹਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝੋਨਾ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਨਹਿਰਾਂ ਸੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਛੱਡਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, 10 ਤਰੀਕ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਫਿਰ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ, ਵਾਹਣ ਭਰਨੇ ਵੀ ਔਖੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਜੂਨ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣੀ 5 ਤੋਂ 6 ਜੂਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਾਈ ਆ ਲਵਾਈ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਹਣ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
चंडीगढ़ विच लॉकडाउन विच ढिल दिती गई है, जिस तों बाद जरूरी सेवावां वालियां दुकानां तों इलावा होर दुकानां वी खुल्लणगियां ते तालाबंदी विच मिली राहत नूं लै के लोकां नाल खास गल्लबात कीती साडे पत्रकार विपिन परमार ने। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत 14 जून तक हरियाणा में लॉकडाउन जो है उसे एक्सटेंड किया गया है। एक्सटेंशन के साथ साथ अनलॉक की प्रक्रिया की भी शुरुआत जो है वो कर दी गई है और ऐसे में रिलैक्सेशंस जो हैं वो सरकार की ओर से दी गई हैं। दुकानों की जो समय सारणी है उसमें तब्दीली की गई है, सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानें जो है वो खुली रह सकेंगी, नॉन एसेंशियल जो शॉप्स हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ऑड इवन फार्मूला को लगातार लागू जो है वो रखने का फैसला सरकार की ओर से किया गया है। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो मॉल्स की टाइमिंग में भी तब्दीली की गई है, मॉल्स को खोलने का फैसला किया गया है, बार रेस्टोरेंट्स को खोलने का फैसला किया गया है, जिनकी टाइमिंग सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक रहेगी, यानी कि 50% कैपेसिटी के साथ मॉल और रेस्टोरेंट्स जो हैं, बार जो हैं वो खोले जा सकते हैं। इसी के साथ साथ शादियों और फ्यूनरल्स की गैदरिंग में भी 21 लोगों की अनुमति जो है उसको देने का काम जो है वो सरकार की ओर से किया गया है। वहीं धार्मिक संस्थानों व प्रेयर जहां पर लोग करते हैं, प्रार्थना के संस्था जगहों पर, वहां पर भी लोगों की कैपेसिटी लिमिटेड नंबर्स में जो है वो लोग जाकर जो है वो माथा टेक सकते हैं। ये कुछ फैसले जो है वो कल के महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत सरकार की ओर से लिए गए हैं। ऐसे में अनलॉक की प्रक्रिया जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है और इसकी तस्वीर आप यहाँ पर दे सकते हैं कि बाजारों के बाहर गाड़ियां जो है वो अलग अलग बाजारों में अब जो है जो सुनसान पार्किंग्स रहा करती थी अब पार्किंग्स जो है वो भरना शुरू हो गई हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार लगातार ये भी कह रही है कि ढिलाई नहीं करनी है, क्योंकि जिस तरह का दौर देखा हरियाणा ने, 15,000 केसेस से 600 केसेस पर हरियाणा आया है, तो ऐसी परिस्थितियों में नियमों और तमाम SOPs की पालना उसी तरह से की जाए ताकि संक्रमण को इसी तरह से रोका जा सके। कैमरा पर्सन शशांक के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, पंचकुला। कुछ पाबंदियां नाल लोगों नूं राहत मिली है, मॉल रेस्टोरेंट ते धार्मिक स्थान खोलण दी इजाजत मिली है चंडीगढ़ विच, पर फिर भी कुछ थावां ते धज्जियां उड़ाउंदे नज़र आए। सवेरे 9 बजे तो शाम 6 बजे तक दुकानां खुलणगियां, लॉकडाउन विच कुछ ढिल दिती गई है चंडीगढ़ विच। फिरोजपुर के विधायक परमिंदर सिंह ने माता वैष्णो देवी ते दरबार साहिब का सीधा प्रसारण सब्जी मंडी विच शुरू किया। विधायक का कहना है कि बाजार की गंदगी नूं हटाउण तों बाद 35 लाख की लागत नाल एक शैड बनाया जाएगा ते फड़ी वालियां नूं दिता जाएगा। विधायक ने जल्द ही मार्केट विच CCTV कैमरे लगाउण की भी गल की है ते दावा किया कि मार्केट नूं देश की नंबर एक मार्केट बनाया जाएगा। विधायक परमिंदर ने उद्घाटन किया सब्जी मंडी में LED लगवाई है, जिस तो बाद माता वैष्णो देवी तो सीधा प्रसारण होगा। विधायक परमिंदर सिंह ने उद्घाटन किया मंडी में जल्द CCTV कैमरे भी लगावांगे, ये भी कहना है विधायक का। फिरोजपुर के विधायक वालों आड़तियों को तोहफा दिता गया तो सब्जी मंडी में LED लगवाई गई है, जिसते दरबार साहिब से माता वैष्णो देवी का सीधा प्रसारण किया जाएगा। नाल ही सब्जी मंडी नू देश की नंबर एक मार्केट बनाने की गल भी आखी है। मंडी में जल्द CCTV कैमरे भी लगवाएंगे, फिलहाल सब्जी मंडी में LED लगवाई गई है। विधायक परमिंदर सिंह ने मंडी में CCTV कैमरे लगवाने का ऐलान किया है।
दिल्ली के एम्स हस्पताल विच अज तो बच्चों की वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। इस विच 2 से 18 साल तक के बच्चे शामिल किए जाएंगे। पहले पड़ाव के तहत कुल 17 बच्चों उपर ट्रायल होगा। ट्रायल सफल होने उपर टीकाकरण की शुरुआत होगी। साढ़े पत्रकार अजीत श्रीवास्तव ने डॉक्टर संजय राय नाल गलबात की। वेखो एक खास रिपोर्ट। हमारे साथ डॉक्टर संजय राय साहब है जो कि प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं कोवैक्सीन के ट्रायल रन में। तमाम आपने भागीदारी की सर, आपने एडल्ट का भी किया, बच्चों का ट्रायल रन, तो ये ट्रायल रन का प्रोसीजर शुरू हो रहा है या ट्रायल रन शुरू हो गया, इसे कहा जाए आज से? नहीं, क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गया है, उसका हिस्सा होता है, उसके कई फेजेस होते हैं किसी भी क्लिनिकल ट्रायल का। अभी जो शुरू हो चुका है वह सेफ्टी और इम्यूनिसिटी देखने के लिए है। तो ट्रायल यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल बच्चों में शुरू हो चुका है, मैं ये कह सकता हूँ। तो इंजेक्शन का जो प्रोसीजर है उसे क्या मंगलवार से शुरू किया जाएगा या सोमवार यानी आज के दिन शुरू हो जाएगा? नहीं, देखिए पहले स्क्रीनिंग की जाती है, सेम वैक्सीन है जो एडल्ट को दी जा रही है, बट हमें उसके लिए जो है बच्चों में सेफ्टी का कोई डेटा नहीं है, इम्यूनिसिटी का कोई डेटा नहीं है कि बच्चों में एंटीबॉडीज़ कितने बनेंगे, उसके लिए शुरू किया जा रहा है। तो पहले स्क्रीनिंग की जाती है हेल्दी वॉलंटियर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद, उसके बाद उनको वैक्सीनेट किया जाता है और फिर उनको जो है रेगुलर इंटरवल पे जो है उनकी बाकी इम्यूनिसिटी और सेफ्टी देखते रहते हैं, उनका फॉलोअप करते रहते हैं। कितने दिन का ये ट्रायल हम कहें देखा जाएगा और कब ये फिजिकली यानी हम ग्राउंड पे इसे इम्प्लीमेंट होते देख सकेंगे? देखिए पूरा जो है 6 से 9 महीने का है, तो बीच में डेटा जनरेट होता रहेगा और रेगुलेटरी अथॉरिटी उसको हमेशा देखती रहेंगी। अगर लगता है रेगुलेटरी अथॉरिटी को कि नहीं सफिशियंट डेटा हो गया तो कभी भी अप्रूव कर सकते हैं। जो मेन कंसर्न है सेफ्टी और इम्यूनिसिटी का, उसको देखने के बाद उनके ऊपर है, पर ट्रायल तो चलती रहती है। अभी भी एडल्ट का भी ट्रायल चल रहा है, वैसे ही ये भी ट्रायल चलता रहेगा। ठीक है, ट्रायल तो शुरू हो गया, लेकिन इम्यूनिटी की बात आपने की सर, बच्चों में इम्यूनिटी के लिए क्या इम्यूनिटी इतनी कमजोर होती है कि उन्हें वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ेगी या फिर नहीं? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। जो अभी ग्लोबल डेटा है आज की डेट में बच्चों में सीवियर डिजीज नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे इन्फेक्ट नहीं हुए हैं, बच्चे भी उतने इन्फेक्ट हुए हैं जितने बड़े हुए हैं, बच्चों में सीवियर नहीं है। आज की डेट में कोई एडिशनल वैल्यू नहीं दिख रहा है अगर उनकी मैं बात करूं वैक्सीन देने की, लेकिन एविडेंस जनरेट करना चाहिए हमें कि कल अगर जरूरत पड़ी तो हमें देना पड़ेगा। कल हमें नहीं कह सकते कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो एक एडिशनल ऑप्शन हो सकता है। रिसर्च इसलिए किया जाता है कि एडिशनल ऑप्शन हमारे पास रहे कि जब भी जरूरत हो दिया जा सके। अभी जो है बच्चों में यह डिजीज जो है बहुत ही माइल्ड है, इसलिए बच्चों को तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि घबराहट बहुत है, पेरेंट्स भी बहुत डरे हुए हैं, तो ये डर कैसे खत्म होगा? अब ये क्यों घबराहट है, शायद कुछ लोगों को मिसकम्युनिकेशन है, मैं ये कह सकता हूँ कि थर्ड वेव आएगा और थर्ड वेव में बच्चों को ज़्यादा इन्फेक्ट करेगा, इस टाइप के जो है मिसकम्युनिकेशन, साइंस इसके पीछे कहीं से नज़र नहीं आता और इसीलिए शायद पब्लिक हेल्थ वाले लोग ऐसी बातें नहीं करते कि कहीं से साइंटिफिक बेसिस होना चाहिए किसी भी इस टाइप के स्टेटमेंट का कि बच्चों में आएगा और बच्चे जो है इसके लिए ज़्यादा हो जाएंगे। हो सकता है कोई वेस्टेड इंटरेस्ट हो, उसलिए ये हो, मुझे नहीं पता कि क्यों है। जो मैं साइंस की बात कर सकता हूँ, बच्चों में यह डिजीज़ बहुत ही माइल्ड है, लार्जली बहुत ही माइल्ड है, बच्चों को सिम्टम्स भी नहीं होते, लेकिन इन्फेक्शन हो रहे हैं, जो सीरो सर्वे बताता है कि इन्फेक्शन उतना ही हुआ है जो हमारे एडल्ट में हुआ है। कितने बच्चों पर किया जा रहा है? नहीं, अभी तो हमने धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, आज हमने 25-30 को बुलाया हुआ है स्क्रीनिंग के लिए। सर जिस आखिरी सवाल, जिस हिसाब से आप तमाम सर्वे कर रहे हैं, इन सर्वे में जो एडल्ट में सर्वे किए थे जो नंबर ऑफ पेशेंट्स थे 40-45 हज़ार लगभग थे, और आज जो बच्चों का कर रहे हैं, कितना ये संख्या हो सकता है? नहीं नहीं, ये मैं सर्वे नहीं कर रहा हूँ, मैं क्लिनिकल ट्रायल में। हाँ, तो क्लिनिकल ट्रायल में संख्या जो है पहले से निर्धारित होती है, उसमें जो था 25,800 के आसपास था इफिकेसी ट्रायल जो फेज 3 करते हैं। अभी ये फेज 3 नहीं है, अभी सेफ्टी और इम्यूनिसिटी देखना है, उस समय देखेंगे, इसके बाद वो निर्धारित किया जाएगा कि कितना सैंपल साइज चाहिए। डोज वही दे रहे हैं या डोज में कुछ फर्क होगा? सेम डोज होते हैं। चलिए, तो संजय राय साहब जिनका साथ कहना है कि सेम डोज के साथ तमाम लोगों का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो चुका है और मेडिसिन का जो होगा वो मंगलवार से वैक्सीनेशन देकर तमाम उनको जाँच पड़ताल की जाए कि आखिर क्या कुछ उनमें एफिशिएंसी पाई जा रही है। कैमरा पर्सन राम चौहान के साथ अजीत श्रीवास्तव ने। फिलहाल इस बुलेटिन से नहीं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहो इंडिया न्यूज़ पंजाब।